नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में कई योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। पार्वती मंदिर श्वेत पत्थरों से बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 71 फीट होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सावन के महीने में एक बड़ी शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का प्रेरणा स्थल है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व मिटाने की कई बार कोशिश हुई। मंदिर जितनी बार गिराया गया उतनी ही बार खड़ा भी हुआ है। आतंक ज्यादा दिनों तक मानवता को नहीं गिरा सकता। आतंक का अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता और दुनिया आज भी आतंक की विचारधारा से पीड़ित है। अतीत के खंजहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण हुआ है। समृद्ध भारत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। पीएम ने कहा कि देश का मूल भाव है और सबका साथ सबका विकास भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर के आगे बढ़ रहा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन
इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आततायी सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है, ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। यूपी में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। जी हां, सरकार ने फैसला कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए लिया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि यूपी में रविवार को लॉकडाउन जो लगा था वो अब हटा दिया गया है, यानी कि अब यूपी में बाजार सामान्य रूप से खुल सकेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 29 मामले सामने आए हैं, वहीं 2 मरीजों के संक्रमण से जान गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान बांदा और बुलंदशहर के कोविड-19 संक्रमित एक एक मरीज की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,789 हो गई है और इस अवधि में 29 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस वक्त 407 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2,36,000 नमूनों की जांच की गई है, जिससे राज्य में अब तक जांचे गए कुल नमूनों की संख्या बढ़कर 6,99,00,000 हो गई है। तो बता दें, अब योगी सरकार ने यूपी में ये बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत ये कहा गया है जो रविवार को लॉकडाउन यूपी में लगा हुआ था उसे भी हटा दिया गया है। हालांकि बीते कुछ दिन पहले ही शनिवार का लॉकडाउन हटाया था। ऐसे में अब कोरोना के मामले जिस तरह से यूपी में घट रहे हैं उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से कि अब रविवार का लॉकडाउन भी जो है वो हटा दिया जाएगा, यानी कि इस ही रविवार से कोई भी लॉकडाउन यूपी में नहीं रहेगा। हालाँकि पहले शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया था कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़े थे, तब रविवार और शनिवार को लॉकडाउन यूपी में लगाया गया था, लागू किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब जैसे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, अब सरकार ने ये फैसला लिया है। बीते कुछ दिन पहले शनिवार का लॉकडाउन हटाया गया था और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में जो रविवार को लॉकडाउन लगाया हुआ था उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कि अब सामान्य तौर पर बाकी दिनों की तरह रविवार को भी बाजार जो हैं वो खुलेंगे। और इससे पहले नाइट कर्फ्यू का टाइम भी योगी सरकार ने बढ़ा दिया था और ऐसे में अब यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन यूपी में सभी चीज़ें खुलेंगी, बाजार हो, दफ्तर हो, मॉल हो, जिम हो, सभी चीज़ों पर पाबंदियां जो हैं वो हटा दी हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, और क्या कुछ अपडेट है? अब रविवार का लॉकडाउन भी योगी सरकार ने हटा दिया है। परुण, उत्तर प्रदेश ने सरकार ने कि साप्ताहिक बंदी जो थी उसको समाप्त कर दिया है। कुछ टाइम पहले इन्होंने शनिवार के बंदी को खत्म किया था,
उसके बाद आपको ये आज रविवार की जो बंदी हुई है उसको भी खत्म कर दिया गया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कोरोना से जो मरीज मिल रहे थे उसकी आप जो मामले हैं उसमें गिरावट जरूर आई है। और अब पहले की तर्ज पे जो बाजारें खुलती थी उनके वो दुकानें जो पटरी पर दुकानें होती थी वो लगने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सुबह से लेके जो रात तक में यहाँ पे जैसे रविवार का कुछ मार्केट खुलती है वो खुल सकती है। बुध के दिन जो मार्केटें खुलती हैं वो खुल सकती हैं। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन के साथ ये साफ कह दिया गया कि आप जो बाजारें हैं वो टाइम से जो पहले थी उससे अब उस तरीके से आप खोल सकते हैं। जी रूबी, क्या नाइट कर्फ्यू में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि पिछले कुछ समय पहले तक नाइट कर्फ्यू जो है वो रात को 8 बजे से लागू कर दिया जाता था, लेकिन उसमें भी समय में बदलाव किया गया कि रात के 10 बजे तक सभी चीजें खुल सकेंगी। अब क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है? पारुल देखिए, अगर देखने ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो 10 बजे तक तो सारी दुकानें खुली दिखती हैं, लेकिन अभी ऐसे में कहीं से कोई भी ऐसे आदेश नहीं दिया गया या कह सकते कोई फरमान जारी नहीं हुआ है कि जो रात कर्फ्यू थी उसमें क्या तब्दीली की गई है। लेकिन जो बाजारें हैं, दुकानें हैं, चाहे कोई भी दुकान हो और चाहे पटरी की दुकानें हो, वो खुली हुई दिखती जरूर है। जी रूबी, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि अब कोरोना का जो ये वीकेंड लॉकडाउन था वो हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में लगातार कोरोना की तीसरी लहर की बात भी सामने की जा रही है, तो क्या ये तीसरी लहर को देखते हुए ही लिया गया है फैसला? देखिए परुल, इस बारे में सरकार ने पहले एक ऐलान करा था कि जो भी हॉस्पिटल हो आज भी तैयार रहे, ये हम नहीं मान रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है जी। लेकिन अभी भी डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी जो भीड़ इकट्ठा होती थी उसको लेकर भी खास मनाही आज भी है। और अगर कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है, चाहे चारबाग के स्टेशन की बात करें या बस अड्डे की बात करें, वहाँ पे भी आज भी इंतजाम करके रखा गया है, या एयरपोर्ट की बात करें कि कोई भी बाहर का मरीज आता है उसको आप पहले चेक करें तब आप अंदर एंट्री करवाएं। तो ये जरूर देखा जा रहा है कि सरकार इस चीज को लेकर काफी मुस्तैद है कि अगर कोरोना को कोई भी मरीज पाया जाता है उसको वैसे ही क्वारंटाइन कर दिया जाए जैसे पहले किया जाता था। लेकिन अभी जो साप्ताहिक बंदी है और इसको लेकर उन्होंने जरूर ये मार्केट में लोगों के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ दुकानदारों का ये कहना था कि बंदी होने के वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा था। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि रविवार का लॉकडाउन भी जो है उसे खत्म कर दिया है, यानी कि अब यूपी में हर दिन बाजार जो है सामान्य तौर पर खुल सकेंगे जैसे पहले खुलते थे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जो है यूपी में लागू रहेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही शनिवार का लॉकडाउन हटाया गया था, लेकिन अब यानी कि इस रविवार से रविवार को जो लॉकडाउन लगता था उससे भी हटा दिया गया है। आज देश भर में मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है और सभी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है और जुलूस निकालने पर रोक भी लगाई गई है। लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। इस टाइम हम मौजूद हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, आप ठीक पीछे देख सकते हैं लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, लेकिन यहाँ पे अभी ताला बंद है। ताला इसलिए बंद है कि कोरोना के वजह से अब यहाँ पे कोई भी आज़ादारी नहीं की जा रही है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। इससे पहले अगर हम यहाँ पे जब देखा करते थे तो ताज़िए और इस मजलिसे और काफ़ी यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के वजह से सरकार की तरफ से खास गाइडलाइन तैयार की गई थी जिसके वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपने सिपाहियों को बैठा रखा है ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो चाहे पर्यटक हो या कोई आज़ादार हो वो यहाँ पे आके इकट्ठा ना हो सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ग्रेटर नोएडा की एडवोकेट थर्ड कोतवाली पुलिस ने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की शारीरिक परीक्षा देने आए 2 मुन्ना भाइयों को परीक्षा स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों लोग फर्जी तरीके से परीक्षा देने आए थे। वहीं जब परीक्षा अधिकारी को इनके ऊपर शक हुआ तो इनसे गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि एक युवक अपने भाई की जगह परीक्षा देने आया था तो वहीं दूसरा युवक की लिखित परीक्षा किसी और ने दी और आज फिजिकल देने के लिए वो खुद आया था। वहीं CISF
अधिकारियों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें, दोनों के कब्जे से पुलिस ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। तो बता दें, दो फर्जी परीक्षा देने आए युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि दोनों आज फिजिकल परीक्षा देने के लिए आए थे, और CISF अधिकारियों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने आधार कार्ड और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश में जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश संयुक्त सचिव सोनू माटा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक ने भी मीडिया को बताया कि 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवत दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। अफगानिस्तान में सत्ता का तख्ता पलट हो गया है और ऐसे में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारत में रह रहे अफगानी छात्र अब परेशान हैं। दरअसल अफगानी छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तो यहाँ तो सुरक्षित हैं, लेकिन उनका परिवार तालिबान के खौफ के साए में जी रहा है। हर पल उन्हें अपनों की मौत का खतरा सता रहा है। ऐसे में अफगानी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सामूहिक गुहार भी लगाई है। दरअसल मेरठ के कृषि विद्यालय में MSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई लगभग पूरी कर चुके इन 6 छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सुरक्षा और स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए गुहार लगाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके परिवारों को भी अफगानिस्तान से निकाल कर भारत लाया जाए और उन्हें भारत का वीजा तब तक के लिए मुहैया कराया जाए जब तक अफगानिस्तान में सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जब अफगानी छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने तालिबान के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बावजूद भी वो तालिबान के खौफ और उसके आतंक की करतूत के बारे में बयान देने से डरते नजर आए। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वहाँ पे कोई इशू अभी तक नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये वो ट्रांसपोर्टेशन, वो एयरप्लेन नहीं है, एयरपोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हम इंटरनेट से बात करेंगे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं, खाना पीने थोड़ा सा वो नहीं है, बाज़ार में इसी प्रॉब्लम है। वो तस्वीर में वो लोग गए, बता दिया कि माम चले गए, वो आपसे यहाँ से अफगानिस्तान से बाहर गया, उसी कर दिया। हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हमारे सैलरी अभी तक वो ख़त्म होगा, हमारे जॉब ख़त्म होगा, और वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, हम नहीं पता क्या दिक्कत है, अभी तक हम नहीं देखा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, हम यहाँ पे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के अधिष्ठाता महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय सहित सभी ट्रस्टी विधायक दीप नारायण उपाध्याय, अयोध्या के मेयर के भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय और फैजाबाद तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और नजूल की जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है।
दरअसल राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे धर्मदास की ओर से लगाया गया यह आरोप काफी गंभीर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन एकत्रित हुआ है ट्रस्ट उसका दुरुपयोग कर रहा है और इसके साथ ही नजूल जमीनों में धांधली का भी आरोप गंभीर है। दरअसल नजूल जमीन ऐसी जमीन है जिन्हें खरीदने और बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। ऐसे में महंत धर्मदास की ओर से की गई इस शिकायत के बाद रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जमीन का विवाद फिर से तेज हो गया है। आपको बता दें कि धर्मदास दिवंगत महंत राम अभिराम दास के शिष्य हैं जिन्होंने कथित तौर पर 22 दिसंबर 1939 की मध्यरात्रि को विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियों को रखा था। राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में हिंदू पक्ष के मुख्यवादियों में से एक दास ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो बता दें अब राम मंदिर का जो जमीन का विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इस पूरे विवाद में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल महंत ने धोखाधड़ी का और धांधली का आरोप लगाया है ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर और ऐसे में बता दें कि महंत ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि महंत धर्मदास की ओर से की गई शिकायत के बाद बता दें कि रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जमीन का एक विवाद जो है फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन भी ऐसी खबरें आई थी कि जमीन को लेकर राम जन्मभूमि की जमीन को लेकर विवाद जो है वो सामने आया था। आपको बता दें कि धर्मदास दिवंगत महंत राम अभिराम दास के शिष्य हैं जिन्होंने कथित तौर पर 22 दिसंबर 1949 को मध्यरात्रि को विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियों को रखा था। ऐसे में एक बार फिर से विवाद जो है ये नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कल्याण मोदी सरकार पे ही हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक की नजर से देखा लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि पिछड़ों को आरक्षण के लिए करीब 40 साल तक लंबा इंतजार करना पड़ा है और उन्हें 1990 के आरक्षण का लाभ भी मिल सका। आज मोदी सरकार पिछड़ों को आरक्षण का लाभ धरातल पर देने का काम कर रही है। ऐसे में पिछड़ों को उनका अधिकार तेजी से मिल रहा है। बता दें दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान के लिए गुरुवार को निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए नीट में 27% आरक्षण दिया है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण से 4 लाख बच्चों को लाभ मिला। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को वास्तव में आरक्षण का लाभ मिल सके। आगरा में 3 तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें पूर्व मंत्री की पत्नी नगमा ने उन पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए थाना मंटोला में पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस पूर्व मंत्री की तलाश में जुट गई थी जिसके बाद अब पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री की पत्नी नगमा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पहले चौधरी बशीर के ऊपर 3 तलाक देने के साथ कई और गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद थाना मंटोला में चौधरी बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और ऐसे में पत्नी नगमा ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के ऊपर 6वीं शादी करने का और उसे 3 तलाक देने का आरोप लगाया था जिसके बाद से आगरा पुलिस पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि चौधरी बशीर ने एडीजी प्रथम को अपनी जमानत की याचिका दी थी जिसे निरस्त कर दिया गया है जिसके बाद पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी संभव हो पाई है।
यूपी के फरुखाबाद से जेसीबी से हो रहे अवैध खनन का एक वीडियो सामने आया है, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जिले में खनन माफियाओं ने आतंक मचाया हुआ है। ये खनन माफिया बेखौफ होकर जेसीबी से भारी मात्रा में अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं मामले में आरोप है कि थाना पुलिस की भी खनन माफियाओं से साठगांठ है, जिसके चलते खनन माफिया बेखौफ होकर इस काले कारोबार को बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। वहीं इस अवैध खनन से खेतों में कई कई फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिनमें पानी भर जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सैकड़ों ट्रॉली खेतों से मिट्टी निकालकर खुलेआम रोड पर आते जाते दिखाई देती है, फिर भी प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बेला गया सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।